हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना कुमार विलार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल देख आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो हम बताते हैं आपको कि आज हम बात करने वाले हैं अल्टो वर्सेस टियागो। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कौन से कम्फर्ट है, कौन सी बेस्ट गाड़ी है, आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सा आपके लिए ज़रूरतमंद गाड़ी है, सो वो आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप वहाँ पर जाइए। मेरा चैनल है टेक्निकल से रिलेटेड, आप वहाँ पर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको भी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि अल्टो वर्सेस टियागो, तो अल्टो वर्सेस टियागो जैसे कि बता दें आपको कि जो अल्टो जो है 5 लाख से, मतलब कि टियागो जो है जो 5 लाख की रेंज से चालू होती है, और जो अल्टो है वो 3 लाख की रेंज से जो चालू होती है। जो दोनों की जो अलग अलग वेरियंट से अलग अलग नाम होते हैं और दोनों की जो खूबियाँ है बहुत से अलग है। जैसे कि हम पहले इंजन की बात कर लेते हैं दोनों की, कि दोनों की इंजन कैसी है क्या है। तो सबसे पहले हम अल्टो की बात कर लेते हैं इंजन की, जो कि अल्टो की जो इंजन है 800 सीसी की जो गाड़ी है वो आती है अल्टो 800, जो कि सिर्फ पेट्रोल में आती है। और अब बात कर लेते हैं टियागो की, तो टाटा टियागो की जो गाड़ी है वो जो वेरियंट्स जो गाड़ी है टाटा टियागो वो जो आती है पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आती है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इंजन में एक और ये है कि सबसे ज़्यादा जो गाड़ी की जो इंजन सीसी जो आती है गाड़ी के, मतलब कि अल्टो की जो है 800 है, यानी 800 सीसी गाड़ी है, और टाटा टियागो की बात कर ले तो वो जो है 1199 सीसी गाड़ी है। तो दोनों के जो इंजन में है काफ़ी फ़र्क है, और काफ़ी मतलब कि सीसी का भी फर्क जो होता है आपकी गाड़ी में बहुत सी प्रभाव उससे आपकी गाड़ी में जो पड़ते हैं, इसका बूट स्पेस मतलब कि। और जो गाड़ी की बात कर ले एक और चीज़ जो कि माइलेज, जैसे कि आपको पता है कि अल्टो 800 तीन सिलेंडर गाड़ी आती है और टाटा टियागो 4 सिलेंडर गाड़ी आती है। तो 3 सिलेंडर आने के बाद में जो इसकी एवरेज है 22.5 की एवरेज जो है, जैसे कंप्लेंट आती है 22.5 जो इसकी एवरेज है वो है, और उसी में जो टाटा टियागो है जो कि 1200 की गाड़ी है उसकी जो एवरेज है 24.5, यानी कि 24 की जो एवरेज है वो निकाल देती है। तो आपको पता है, देख लीजिए कि ये जो है 800 सीसी गाड़ी है, मतलब कि 22.5 की एवरेज। और जो बात कर ले कि टाटा टियागो है जो 1200 सीसी इंजन होने के बाद भी वो 24 की एवरेज निकाल के दे रही है आपको, सो आपके लिए बेस्ट कौन है। अगर सेफ्टी की बात कर ले तो आपको पता ही होगा कि अल्टो की जो 1200 सीसी की जो बिल्ड, और सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो टाटा टियागो की जो बिल्ड क्वालिटी आपको पता है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और अल्टो की बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो तो आपको पता ही होगा। तो बिल्ड क्वालिटी में तो आपको सबसे ऊपर जो मिलेगी वो टाटा टियागो ही अल्टो में, जो कि अल्टो की बिल्ड क्वालिटी जो अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, इंजन परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इंजन परफॉर्मेंस जो कि है इसकी जो सक्सेसफुल होती है, और इसकी भी जो है टियागो की भी अच्छी इंजन है। तो इसकी जो बूट स्पेस है, मतलब कि बूट स्पेस RPM बहुत कुछ जो है इसमें, जो कि टाटा टियागो उसमें बहुत आगे है और अल्टो जो है बहुत ही पीछे है। तो इसकी जो रेंज है तो इसमें रेंज में भी बहुत ही फर्क है, रेंज में भी टाटा टियागो बहुत ही आगे है और जो अल्टो है वो बहुत ही कम है। दोनों के देखते हुए अगर बात किया जाए तो दोनों गाड़ी जो अपने अपने जगह पे है बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और दोनों की अपनी अलग अलग खूबियाँ। जैसे कि हम बता दें कि अल्टो में जो है डिजिटल मीटर नहीं मिलेगा आपको, और टाटा टियागो में जो है आपको डिजिटल मीटर मिलेंगे। और जैसे कि हैंडल पे जो है टाटा टियागो में आपको, जैसे कि स्टेयरिंग है उस स्टेयरिंग में जो आपको उसमें ऑडियो कंट्रोल वैल्यूम, फ़ोन कंट्रोल वैल्यूम उसमें सब मिलने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि जो इसमें है आपको अल्टो में उसमें नहीं मिलेंगे। तो अगर दोनों की अगर खूबियाँ की बात करें, दोनों की खूबियाँ अलग अलग है। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या खूबियाँ है क्या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते चलते हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, फिर हम आपसे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक पर मिलते हैं।